ये जो गेट है ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। भाई साहब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कीर्तन भजन वगैरह हो रहा है, इंडिया की तरह यहाँ भी जड़ी बूटी वगैरह बिका जाता है। नो 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 आई डोंट वांट, ऐसा मुझे हैस ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। और फिलहाल मैं हूँ इस वक्त सहंगीर में ही, तंजीर में ही, और हम लोग आज जा रहे हैं, वेयर यू गोइंग टुडे? टू द बीच। बेसिकली हम दोनों अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरे ग्रुप के साथ जा रहे हैं। अर्जेंटीना से कुछ लोग हैं और कुछ लोग, सॉरी गाइज। तो नमस्ते 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 भैया। ओके ओके, स्लोली स्लोली स्लोली, इसके पैर में चोट है मैंने आपको बताया, तो धीरे धीरे करके हम लोग जा रहे हैं। एंड क्या बोल रहा था कि हम लोग जा रहे हैं स्विम, एंड सबको स्विम करने आती है आई गेस, हम दोनों को स्विम करने आती है, बट देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली अपना फ़ोन घर पे भूल गया था, उसके वजह से मैं दौड़ के पहले घर पे गया, अपना फ़ोन उठाया और अब मैं जा रहा हूँ। काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है ये एरिया, आपको मैंने दिखाया था कैसा दिखता है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं और इस तरह कुछ दिखता है भाई। गर्मी आज बहुत है, कल बहुत ठंडी थी लेकिन आज बहुत गर्मी है। ये वेदर थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है, मोरक्को में कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है। तो भाई सब ऊपर जो एरिया है वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह तो जाती नहीं, आपने देखा होगा, सब चलने का रास्ता है और बड़ा स्टीप रास्ता है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगाई जाती है। बहुत बड़ा पार्किंग प्लेस है यहाँ पर और हम लोग अब जाने के लिए तैयार हैं। ये भाई साहब हमारा वेट कर रहे थे। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बीच है। मेरे सामने जो आप गेट देख रहे हो, ये जो गेट है ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। मेरे सामने आप स्पेन का झंडा देख रहे होगे, दिख रहा है स्पेन का झंडा, और ये भाई साहब गेट है स्पेन और मोरक्को के बीच। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा जाके देखा जाए। अगर किसी को स्पेन जाना है, अगर मेरे को स्पेन जाना है तो मैं जा सकता हूँ यहाँ से, जस्ट 2 मिनट का रास्ता है स्पेन जाना। तो भाई साहब ग्रुप के साथ तो मैं आ चुका हूँ, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आवाज़ सुनाई दे रही होगी नहीं दे रही होगी। वेल मेरे पीछे है भाई साहब स्पेन, जरा आपको मैं दिखाता हूँ। फेंसेस दिख रहे हैं, ये स्पेन के अंदर आता है, ये जो पूरा फेंस लगा रखा है लोगों ने ना, ये पूरा स्पेन के अंदर आता है, और वो जो पार्ट दिख रहा है फेंस के उस तरफ वो स्पेन है। काफ़ी क्रेजी है भाई ये देखो, तो जस्ट लिटरली लाइक 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है और स्पेन से ये बॉर्डर। आपको स्पेन का फ्लैग भी दिख रहा है मुझे, आपको नहीं दिख रहा, ये जो माउंटेन दिख रहे हैं ये वाला स्पेन के अंदर आता है, सब कुछ पूरा स्पेन के अंदर है ये। सो ये वहाँ पे स्विमिंग वगैरह लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसा माहौल दिखता है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन ये जो बॉर्डर है काफ़ी कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है। ये बेसिकली छोटा सा पार्ट है मोरक्को के अंदर, अफ्रीका के अंदर स्पेन का छोटा सा पार्ट है। स्पेन की गवर्नमेंट काफ़ी पैसे पे करती है मोरक्कन गवर्नमेंट को, जो कि लो इमिग्रेंट्स हैं जो कि उस तरफ जाना चाहते हैं, स्पेन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्पेन की तरफ चला गया तो फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा EU लॉज की वगैरह से। तो काफ़ी पैसे देते हैं कि लोग स्पेन जा ही नहीं पाए, उनको पहले ही मारते पीटते हैं जाने से पहले, मोरक्को में ही, मोरक्को से जाने नहीं देते। बहुत बड़ा बड़ा फेंस लगा रखा उन लोगों ने, स्पेन वालों ने। ये भाई स्पेन यूरोप के अंदर कोई बॉर्डर्स नहीं है, लेकिन अफ्रीका जो स्पेन का बॉर्डर है उसमें इतना बड़ा बड़ा फेंस लगा रखा है उन लोगों ने। सब चले गए स्विमिंग करने के लिए, चलो मैं भी जाता हूँ स्विमिंग करने के लिए यहाँ से। तो भाई साहब ये है बीच और उस तरफ है स्पेन, आपको मैंने कई बार दिखा दिया है, लेकिन पानी ठंडा पानी है यार, ये कोल्ड वाटर नो या भाई, पानी काफ़ी ठंडा है। तो एक बार मैं जाता हूँ पहले पानी में घुस के आता हूँ, फिर जाके मैं कैमरा लेके जाऊँगा थोड़ा अंदर, कि पानी थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा है, एक बार कंफर्टेबल होना चाहिए पानी से ना पहले। तो भाई साहब ये था बीच, काफ़ी शानदार खूबसूरत बीच था, बट हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब जाने का समय आ गया है। भाई आगे मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि आगे पुलिस मैन है और बच्चे वगैरह यहाँ पे खेल रहे हैं यहाँ पे, और चलता हूँ यहाँ से निकलता हूँ। काफ़ी छोटा सा बीच था भाई ये, जो मोस्टली ये था ये लाइक सैंड था, वाइट सैंड नहीं था, और काफ़ी रॉक्स वगैरह थे और बहुत ही छोटा भाई, आप जो देख रहे हो लास्ट पॉइंट बीच का ये है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे माहौल। चलो यहाँ से देख करके निकलते हैं, यही था आज के लिए बस। तो गुड इवनिंग गाइज, तो मैं अभी बीच से वापस आ चुका हूँ, काफ़ी शानदार बीच था भाई वो, श्वेता के पास था, मैं वहाँ पे वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया भाई, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया था, बॉर्डर एरिया था, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल मैं यहाँ की गलियों से घूम रहा हूँ और कुछ खाने को ढूंढ रहा हूँ, एट द सेम टाइम आपको दिखाऊंगा, कल सुबह मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, इस शहर को छोड़ के निकल जाऊँगा, आज भी इस शहर में मेरा लास्ट है,
और कुछ ऐसा माहौल है भाई इस तरफ, सब कुछ वाइट वाइट है। आपको ये बिल्ली वाला पार्ट तो मैंने कई बार दिखाया होगा, यहाँ पे भाई साहब कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी मिल जाएगा, और ये मछली फेमस है, और चार चार मछली यहाँ पे मिलती है इस तरह की। मेरे को सबसे अच्छा तो लोप लगता है, जो लूप तो जो भी है। और ये देख लो भाई कितनी भीड़ वगैरह है यहाँ पे। जरा मैं आपको जाके यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। भाई साहब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कीर्तन भजन वगैरह हो रहा है, ज़रा देखें। भाई यहाँ पर कुछ पराठा जैसा बिक रहा है, बट ये मैं खाऊंगा नहीं, मुझे फलाफल खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं फलाफल ढूंढ रहा हूँ। कुछ ऐसा इलाका है भाई, चल ही रहा हूँ भाई साहब मैं। छोटी छोटी गलियों में गाड़ी घुस जा रही है भाई साहब, और बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर पैदल वाली यात्री के लिए। यहाँ पर दुकानें वगैरह भी हैं, अलग अलग किस्म की दुकानें हैं, चप्पल जूते कुछ खाने पीने की किराना दुकान भी है, बट मुझे फलाफल की दुकान खोजनी है क्योंकि मुझे भूख लगी है बड़ा ज़ोर से। तो भाई साहब फलाफल मिला नहीं तो मैं मछली खा रहा हूँ बैठ के मैं यार। इस तरह की मछली है भाई, इन्होंने पता नहीं कितने का बोला है, 4 दिरहम बोला उन्होंने एक्चुअली ना, तो जोड़ लगा ले दो 32 रुपये का ये मछली एक है, ठीक है मेरे हिसाब से महंगा नहीं है फिर। तो भाई साहब थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया, अब यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ सब लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कुछ व्यू दिखता है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से जो व्यू दिखता है। सही व्यू दिख रहा है भाई, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर। और भाई सब ये व्यू को देखने के लिए सब लोग यहाँ पर आए थे। इस तरफ होटल कॉन्टिनेंटल है, उस तरफ फेरी टर्मिनल है, और उस तरफ बीच है, और पहाड़ वगैरह पता नहीं आई थिंक स्पेन के अंदर आता है या मोरक्को के अंदर ही आता है, आई थिंक मोरक्को के अंदर ही आता है। कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं। भाई साहब लोग तस्वीरें खिंचवा रही हैं, इस उतने बड़े उल्लू है पता नहीं क्या है इसके साथ। तो भाई साहब इस स्ट्रीट पे भीड़ तो बहुत है, अगर आप देखोगे तो हर जगह लोग तो लोग आपको दिखेंगे ही। ये मास्क है भाई, इस स्ट्रीट पे मास्क है। ये स्ट्रीट पे थोड़ी वाइड है, हालांकि यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट है इस तरह की काफ़ी स्लो है, और आपको हेना वगैरह हमेशा हर जगह आपको हेना वगैरह बनवा सकते हो आप। तो हम चल रहे हैं थोड़ा ऊपर, देखते हैं क्या माहौल है। होटल्स बड़े पड़े हैं भाई, ये मुझे काइंड ऑफ एक थोड़ा बड़ा है, बट लेकिन जंजीबार क्या दिलाता है, जंजीबार में कुछ ऐसा ही माहौल था। ये भाई साहब कुछ जड़ी बूटी वगैरह बेच रहे हैं, इंडिया की तरह यहाँ भी जड़ी बूटी वगैरह बिका जाता है, देख लो। आई थिंक पहले मैंने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन भाई यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी कि आपको यहाँ पे लड़कियाँ हिजाब में भी दिखेगी, आपको लड़कियाँ बिना हिजाब के भी दिखेगी, और कुछ कुछ तो क्या कहते हैं उसको, चादर कहते हैं अफगानिस्तान में, जहाँ सिर्फ आँख भी नहीं देख सकते हो वो उसमें भी दिखेगी। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि हिजाब कंपलसरी है, आप चाहो तो पहन सकते हो। बेसिकली फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपको हिजाब पहनने के लिए एकदम फोर्स करती है या कि आप पहनो कोई दिक्कत नहीं है आपकी मर्जी है वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी सीन है। हालांकि कहने का तो एक मुस्लिम कंट्री है, बट सब लोगों ने हिजाब नहीं पहन रखी है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस बड़ी बड़ी, लेकिन जनरल आपको नहीं दिखेगी। अच्छा लगा मुझे ये ना देख के कि चॉइस है कि अगर आपको पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना तो नहीं पहनो। तो भाई साहब एक लोकल प्लेस में आए थे, खाना बना रहे हैं, अंडा वगैरह वगैरह है, यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे हम देखने के लिए आ गए थे। इस तरह कुछ खाना वगैरह मिल रहा है भाई, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है लेने के लिए। और भाई साहब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा, जरा खा के देखता हूँ कि कैसा लगता है, ये भाई साहब बना के दे रहे हैं मुझे। तो भाई साहब अभी खाना पीना खा लिया, थोड़ा खाना पीना काफ़ी महंगा था, क्या हाल है भाई, ठीक है? ये पानी ले लो, पानी पानी पानी, हाँ पानी ले लो। मुझे लगा कि सब लोग उसको पानी वगैरह दे रहे थे, मैंने कहा मैं भी पानी दे देता हूँ तेरे को। वेल एनीवे गाइस, ये सब ढोलक वगैरह बजा रहे थे, खाना पीना खाया भाई, थोड़ा महंगा खाना था यार, मुझे लगा सस्ता मिलेगा, बट इन द एंड मैंने बोला कितने कितना हुआ तो मुझसे ले लिए 42 दिरहम्स विद 2 बोतल पानी के साथ।
तो 42 × 8 कितना कर लो यार, 350 रुपये के आसपास खाना आया। मतलब एक लोकल जगह पे खाया था, 350 रुपये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 350 रुपये खाना वगैरह आएगा। बट एनी वे ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर, और आपको मैं और दिखाता हूँ कि क्या माहौल रहेगा, उसके बाद मैं अपने घर चले जाऊँगा। तो भाई साहब खाना पीना खाने का यहाँ पे कॉफ़ी पी लिया मैंने, कॉफ़ी 12 लोकल करेंसी का था, तो 12 96 और प्लस एक वाटर भी मिला, तो 96 रुपये में एक कॉफ़ी और एक वाटर यहाँ पे मिला बैठ के मैं पी रहा था। थोड़ा बैठ गया था यार, थोड़ा सर दर्द कर रहा था मेरा अभी ऐसा माहौल है। ऑलमोस्ट भाई इवनिंग हो गया है और ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बट भाई अभी भी स्ट्रीट्स पे काफ़ी भीड़ है। और अभी मेरी निजरीन से बात हो रही थी, वो अभी आने वाली है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा यहाँ पे घूमेंगे, उसका वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खास तो फिलहाल कुछ है नहीं आज। और कल सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगा कासाब्लांका की तरफ, ये मेरा प्लान है, यहाँ की बुलेट ट्रेन लेके निकलूँगा जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो भाई साहब अभी भी इतनी यहाँ पे भीड़ है, बट इस पर भीड़ में मैं चल रहा हूँ, वो इंडिया वाला एक्सपीरियंस निकाल रहा हूँ और भीड़ के साथ साथ मैं बढ़ रहा हूँ। इस तरह भाई कुछ कुछ मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वगैरह, ओल्ड कैमराज वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं लड़कियों के, लड़कों दोनों के लिए। सोचता हूँ ना एक लड़कों का मैं कपड़ा ले लूँ, बट फिर भी अभी तक तो नहीं लिया है। यहाँ पे इत्र वगैरह मिल रहा है, परफ्यूम वगैरह। तो ये काइंड ऑफ मार्केट से मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे आप पैसे वगैरह एक्सचेंज भी करा सकते हो। यार रेट बढ़ गया थोड़ा, डॉलर्स यहाँ पे अराउंड 10 का एक का रेट मान के चलो है डॉलर्स का, तो इंडियन रुपीज़ में भाई एग्जैक्टली 8 बनते हैं, एक लोकल करेंसी यहाँ की इंडियन रुपीज़ में 8 रुपये होते हैं। भाई ये भी एक मार्केट है कपड़े के, यहाँ कुछ ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस है लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, ये भी लड़कियों के लिए, ये भी लड़कियों के लिए। लड़के के ऑप्शंस कम है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे सोना चांदी वगैरह मिल रहा है। और भाई साहब यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह मिल रहा है, अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदना है। पता नहीं कौन सा फ्रूट्स है यार, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी वरना मैं ज़रूर ट्राई करता। यस आई एम इंडियन, नाइस टू मीट यू। मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं आर यू इंडियन, मैंने कहा भाई साहब मैं इंडिया से ही हूँ, कहाँ से लगता है कहाँ से होंगे। हालांकि एक बात यहाँ पे कि बहुत सारी कंट्री में आप जाओगे लोग बोलेंगे पाकिस्तानी बांग्लादेशी वगैरह वगैरह, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, राखी बोलते हैं इंडियन हो क्या, बहुत बार हो चुका है। और भाई मतलब मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं शाहरुख खान शाहरुख खान, मैंने कहा भाई किस एंगल से मैं शाहरुख खान दिखता हूँ जरा बताएं। मैं जो शाहरुख खान की एक बार जो मेरी पर्सनैलिटी से मिलती है कुछ नहीं है भाई, शाहरुख खान के नाम से मुझे सब यहाँ पे शाहरुख खान, उसके बाद बोलते हैं शाहरुख खान आओ खरीदो, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ रहा, तुम यहाँ पे मजाक लगा रहे हो, मतलब बटरिंग कर रहे हो मेरे को, और मैं तो आके तुम्हारे पास सामान खरीदूँ शाहरुख खान बोल के। कपड़े वगैरह मिल रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, और भाई चलते चलते मैं आ गया हूँ एक गोल चक्कर के पास, ये काफ़ी हैपनिंग सी जगह है यहाँ पर, और ये यहाँ पर झरना टाइप का चल रहा है ऊपर, और बादल काफ़ी सही दिख रहे हैं भाई, आज ब्लू ब्लू दिख रहा है आसमान भाई, और यहाँ पे ऐसा माहौल है कुछ सिनेमा REF। भाई ये एरिया मुझे दिल्ली का CP याद दिलाता है, कुछ CP में भी इसी तरह का माहौल है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल है, खाने को चीज़ें मिल जाएंगी स्ट्रीट फूड वगैरह वगैरह। चाहिए राजमा लग रहा है और ये छोले लग रहा है, मतलब बिना मसाले के सिर्फ बॉयल करके बेच रहे हैं यहाँ पे लोग। पॉपकॉर्न वगैरह उधर मिल रहा है और भीड़ बहुत है इधर, मैं किसी इसी गली में चलता हूँ तो फिर उस तरफ चलता हूँ तो देखता हूँ क्या क्या और दिखने को मिल रहा है। ये भाई साहब कोई रियल भाई साहब है या फेक भाई साहब है? अरे भाई साहब ये तो रियल है यार, मेरे को लगा फेक है। सही है भाई साहब, हिल नहीं रहे हैं क्या एकदम? भाई साहब चलते चलते मैं आ गया हूँ एक कैफ़े गिब्राल्टार में। ये भाई साहब पहले ऐसे था कैफ़े, मतलब आज से 50-60 साल पुराना कैफ़े दिखा रहे हैं ये, इस तरह लोग बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पीते थे, अभी भी वही माहौल है बट थोड़ा कुछ सब कुछ बदल चुका है। तो यहाँ पे पुराने पुराने चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी इस पूरे इलाके में, लोग भी भरे पड़े हैं इस इलाके में, पुराना कपड़े वगैरह की पूरी शॉपिंग वगैरह चल रही है, तो बेसिकली लोकल लोग भी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं, सिर्फ फॉरनर्स नहीं, फॉरनर्स तो इधर है उतने बहुत कम है, आपको ज़्यादा लोकल से दिखेंगे। हालांकि ये सिटी फॉरनर्स के मामले में बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पर लोकल भी बहुत भरे पड़े हैं। तो भाई साहब इसी एरिया में अभी तक चल रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें देख रहा हूँ, हालांकि ख़रीदना तो मुझे कुछ नहीं है,
बट मैं चल चल के देख रहा हूँ कि क्या क्या मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई साहब इस तरफ ना, खाने और शॉपिंग के। और कपड़े वगैरह मैंने पता किया तो चाइना वगैरह से काफ़ी कपड़े यहाँ पे हैं, सेकंड हैंड माल आपको मिल जाएगा। फिर मैंने कहा यार तो जबरदस्त मैं चाइना से आ रहा हूँ, अगर सेकंड हैंड माल खरीदना हो तो मैं चाइना में क्यों नहीं खरीदूँ, यहाँ से खरीदूँ। ग्रैंड कैफ़े सेंट्रल, बहुत फेमस ये कैफ़े है और बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगी। तो भाई साहब उस मार्केट से घूम के मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, कल मैं सुबह सुबह ट्रेन ले रहा हूँ कासाब्लांका के लिए। अब बुलेट ट्रेन चलती है अफ्रीका में, इकलौती बुलेट ट्रेन है जितना मुझे पता है। केन्या में भी अच्छी ट्रेन है लेकिन चाइना ने बनाया है, बट जो बुलेट ट्रेन है जो कि 300 की रफ्तार से जाती है वो यहाँ पर एक मोरक्को में है। एक्चुअली मोरक्को पार्ट ऑफ अफ्रीका ही है, हालांकि इसे काइंड ऑफ मिडिल ईस्ट भी मान सकते हो आप क्योंकि अरबिक कंट्रीज़ हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी, थोड़ी बड़ी छोटी है, बट अगली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का रेल सफ़र। हाँ, और ये बात कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते भाई तो मेरा इंस्टाग्राम है भाई नोमैड शुभम, जाके फॉलो कर लेना। अभी अपडेट आ रही है इंस्टाग्राम पर, काफ़ी अपडेट डाल रहा हूँ मैं। एंड आज के फिलहाल में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए 10 बिदानियाँ तो ये भाई साहब मुझे भाई साहब मुझे हैस ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, हसीस पता ही हसीस क्या होता है ना, यहाँ पे काइंड ऑफ ड्रग है वो मुझे ऑफर कर रहे थे यार बड़े यहाँ पे, मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए बट यहाँ काफ़ी नॉर्मल है ये, यहाँ पे मैंने देखा ही है। बट पहला नहीं बेगा फिलहाल के लिए भाई, अगर यहाँ तक आइए गए सब्सक्राइब कर भी लेना। फिलहाल के लिए चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, 10 बिदानियाँ।